हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका शर्मा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बेड़मी या कचौरी के साथ खाने वाली आलू की सब्जी बना रही हूँ। बेड़मी की रेसिपी तो मेरे चैनल पे अपलोड है। आज मैं ये आलू की सब्जी बना रही हूँ। इसमें एक दो पॉइंट्स ही हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, उसके बाद हमारा जो सब्जी है बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसे मथुरा में ब्रज में मिलती है उस तरह की बनती है, बहुत ही टेस्टी। ये जो आलू की सब्जी है इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी। मैंने 2 चम्मच बड़ा देसी घी ऐड करा है। देसी घी में आलू की सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच सौंफ, चुटकी भर हींग, हल्का सा ये जीरा सौंफ भुन जाए, 4-5 दाने करीब दाना मेथी के, इसमें दाना मेथी का कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे दिल्ली में बनता है दाना मेथी की चटनी वैसा बहुत अच्छा टेस्ट है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच बेसन। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल स्लो गैस पे। जो ये बेसन का टेस्ट आता है ना इसमें सब्जी में, बहुत अच्छा आता है। पहले जो मसाले डालते हैं उससे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आता है और बेसन का मतलब पता नहीं लगता है कि हमने बेसन ऐड करा है, बट टेस्ट अल्टीमेट आता है। एक ही मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, इसमें धनिया, जीरा, सौंफ, दालचीनी और काली मिर्च है। इनको अच्छे से भून कर मैंने और फिर इसको दरदरा कूट लिया है, तो ये भी मैं अभी ऐड करूँगी इसमें। बन गया ये अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करता हूँ। 2 टमाटर मैंने पीसे हैं 1 हरी मिर्ची के साथ। जैसे हम बेसन और देसी घी को भूनते हैं लड्डू बनाने के लिए या कोई भी हलवा मिठाई बनाने के लिए, उसकी जो खुशबू आती है वैसी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब स्लो गैस पे मैं इसको भून लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सब्जी है लेकिन 1-2 चीज़ें ऐड करनी है उससे अल्टीमेट टेस्ट हो जाता है इस सब्जी का। जैसे हम कचौरी के साथ सब्जी लाते हैं वैसा टेस्ट आएगा इसमें। आप एक बार ट्राई की करके देखो, बहुत अच्छा है। इसमें पहले भून भी सकते हैं, उबले आलू को मैश करके मैं ऐड करूँगी और पहले पानी को बॉईल करके वो भी कर सकते हैं। तो आज तो मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ। मैं इसमें लगभग 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको उबलने देते हैं, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। पानी मेरा जो आलू के मसाले का है वो उबल चुका है। अब मैंने ये 3 आलू अच्छे से मैश किए हुए हैं, क्योंकि इस सब्जी में क्या है मैश किए हुए आलू अच्छे लगते हैं, डाइसेस नहीं अच्छे लगते, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको और अच्छे से पकने देते हैं, फिर हम अपनी जो ये कचौरी या बेड़मी बनाएंगे। बेड़मी के लिए मैंने आटा लगा लिया, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है मेरी सूजी। पहले हम रोटी जैसा आटा लगाते हैं, अब ये थोड़ा टाइट हो गया है, इसमें दाने दाने आ गया। ये मैंने मसाला बनाया हुआ है, उड़द की दाल को धोकर सुखा लिया, भिगोना नहीं है, फिर उसको रोस्ट करके पीस लिया दरदरा। उसके अंदर मैंने मसाले ऐड करे हैं। मसाले भी मैंने अलग से जीरा, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी को ड्राई रोस्ट करके, धनिया ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था वो ऐड करा है। फिर मैंने मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और अमचूर। ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है और ऐसे लगता है जैसे हलवाई की वो है मसाला। अगर हम भिगो के बनाएंगे, भिगो के पीसेंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है, और अगर हम बिना भिगोए अच्छे से धो के हवा में सुखाकर पीसेंगे दाल को तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो अभी मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं फ्राई करती हूँ। इतने मेरी ये सब्जी भी रेडी हो जाएगी। आलू की सब्जी रेडी हो गई है, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। सब्जी में मैंने नमक ऐड कर दिया क्योंकि वो बीच में पॉज हो गई थी मेरी वीडियो। ये मैंने हरी चटनी बनाई है, धनिया, पुदीना और थोड़ी सी दही ऐड करके, और बाकी अपने मसाले, हरी मिर्ची। ये मैंने इमली की चटनी बनाई है, ये मेरी दही है। तो
तो इन सब चीज़ों के साथ मैं सर्व करूँगी। ये मैंने जो आटे में सब मसाला ऐड किया है, सूजी ऐड की है, तो ये एक तरह से प्लेन मसाला पूरी है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। गैस हमारी फुल होनी चाहिए। ये मैंने मसाले भर के फ्राई कर लिए, सॉरी तैयार कर लिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। डालते समय हमारी गैस फुल होनी चाहिए, उसके बाद हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू हाई, जिससे कि क्रिस्पी हो जाएगी। ये मसाले बेड़मी है, जो कचौरी है हमारी, इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। अब ये होने वाली है, तो इसके साथ में मैं एक और ऐड कर दूँ। ये देखिए 2 मिनट में कितनी अच्छी क्रिस्पी हमारी कचौरी बेड़मी रेडी है। ऐसे ही ये रेडी हो जाएगी। तो ये आप देखिए कि ये मेरी प्लेन है, इसमें मैंने मसाला नहीं भरा हुआ और इसमें मैंने मसाला भरा हुआ। तो हम इसको खोलते हैं, बिल्कुल कचौरी की तरह क्रिस्पी और मसाले से फिल्ड। आप इसको खाली दही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, हल्की सी ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। तो आप भी एक बार अपने किचन में ट्राई करके देखिए इसे। आप चाहें तो इसके साथ सीताफल की सब्जी भी बना सकते हैं। So if you like my video, please do like it, share it with your family and friends and subscribe my channel. Thank you for watching my video. So friends, जो ये मैंने कचौरी बनाई है बेड़मी, इसको हम इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। हमने इसको तोड़ लिया, साथ में हम आलू की सब्जी, ये हरी चटनी, इमली की चटनी, दही और साथ में ये मैंने जो हरे साबुत मूंग आते हैं, इसको मैंने ड्राई बना लिया मसाले वाला। तो इसका मिक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें आप एक प्लेट बना के अगर ऐसे सर्व करेंगे तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आता है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।